नमस्कार। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने बयानों से और ट्वीट से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। मोदी और बीजेपी पर तीखे हमले करने की वजह से वो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका एक वीडियो किसी और वजह से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो एक पार्टी का है जिसमें राहुल गांधी एक महिला मित्र के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी नाइट क्लब में राहुल गांधी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हों। उनके साथ महिला मित्र को लेकर भी सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। कोई उन्हें चीनी डिप्लोमेट बता रहा है तो कोई वीडियो में दिख रहे इवेंट को नेपाल का बता रहा है। बहरहाल राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने वीडियो पर तंज कसा है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वेकेशन पार्टी, हॉलिडे, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोधपुर मामले को लेकर घेरा है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये उनका निजी मामला है, लेकिन जब राजस्थान के जोधपुर में हिंसा हो रही है इस पर चिंता व्यक्त करने के बजाय राहुल गांधी नेपाल में नाइट क्लब में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस नेता भी उतर गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर पीएम मोदी को लेकर कटाक्ष किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह नहीं है जो बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटते हैं। वीडियो का जवाब देते हुए कांग्रेस का कहना है कि ये वीडियो नेपाल में एक शादी समारोह का है जहां राहुल गांधी अपने दोस्त की शादी में गए हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं। वो नेपाल की अपनी दोस्त सुमनिया उदास के विवाह में शामिल होने के लिए काठमांडू में है। ऐसे में अब राहुल गांधी को लेकर बीजेपी को नया मामला मिल गया है। बहरहाल ये साफ है कि कांग्रेस जिस तरह पीएम मोदी को लेकर कोई भी हमला करने से चूकती नहीं है, उसी तरह बीजेपी भी राहुल गांधी को लेकर शांत नहीं बैठी है। अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली सांसद स्मृति ईरानी अब वायनाड भी पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, अब स्मृति ईरानी वायनाड में राहुल के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा तेज कर रही हैं। नमस्कार।